अस्सलाम वालेकुम, देसी जायका विद जीनत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पूरी और सागो। ये एक साउथ इंडियन डिश है और बहुत ही अच्छी और हेल्दी डिश है। बहुत दिन से हम लोग ने इस पर कोई भी नए वीडियोस अपलोड नहीं किए थे। हमारी फैमिली में एक फंक्शन था, उस वजह से हम थोड़े मशरूफ थे। तो अभी हम नई नई रेसिपी आपको जरूर इसमें अपलोड करेंगे और आपके साथ बने रहेंगे। चलिए देखते हैं अब ये रेसिपी हम कैसे बनाते हैं। तो सागू बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक कटोरी बारीक कटी हुई बीन्स, एक कटोरी बारीक कटा हुआ आलू, एक कटोरी गाजर और एक कटोरी नूकल यानी शलगम और थोड़ा सा ग्रेटेड खोबरा, 8 से 10 हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, एक टमाटर, एक प्याज मीडियम साइज के, थोड़ा हरा धनिया, थोड़े से करी पत्ता, 1 से 1.5 चम्मच छोटा फुटाने यानी भुना हुआ चना, छोटी सी कलमी, 2 इलायची और 4 लवंग। तो चलिए देखते हैं अब हम इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमको कुकर गैस पर रख के हम लोग इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। हमको पहले सब्जियों को जो है बॉईल करना है। मैंने 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाला है। थोड़ा और पानी शामिल कर लेंगे। 2 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। अब इसको जो हम कवर कर लेंगे। अब इसे 2 सीटी होने तक वेट करेंगे। चलिए मिलते हैं 2 सीटी होने के बाद। अभी जब तक हमारी सीटी होती है हमको जो मसाला है ये पीस लेना है। खोपरा भी शामिल कर लेंगे इसमें। ये देखिए मसाला जो है मैंने पेस्ट कर लिया है। थोड़ा दरदरा पीसना है, एकदम ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। हमारी 2 से 3 सीटियां हमने इसमें लगा लिए हैं। ये देखिए हमारे जो वेजिटेबल्स हैं ये बॉईल हो चुके हैं। अब जो है हम कढ़ाई में बाकी मसालों को बनाने की प्रोसेस आपको बताएंगे। हमने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। सबसे पहले करी पत्ता, फिर प्याज, दो छोटे चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है आप कभी भी घर पे ही बनाइए, अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा होता है। रेडीमेड पर खरीद लीजिए और बनाते वक्त कभी भी 60% इसमें लहसुन और 40% अदरक इस्तेमाल कीजिए, अच्छा बनेगा। अब इसमें जो है टमाटर शामिल कर देंगे। प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, बस नरम करना है। अब जो हमने मसाले पीसे थे उसको शामिल कर लेंगे। थोड़ा पानी जो है मिक्सर के जार में ही थोड़ा पानी घुमा के इसमें शामिल करेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जली भी हो। सागू जो है स्पेशल ये साउथ इंडिया की डिश है, कर्नाटका की।
पहले जब मैं महाराष्ट्र में थी तब मैंने ये कभी नहीं खाया था, पर यहाँ पर आने के बाद में हम लोग ये अक्सर खाते हैं। बहुत अच्छी डिश है ये, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, घर पे बनाइए। इसमें थोड़ा और पानी शामिल कर लेंगे क्योंकि इसमें मसाले में जो है खोबरा और चने हमने इसमें डाले थे, तो इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, जल्दी ड्राई हो जाता है ये। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब ये देखिए इसमें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, तो हम इसमें जो हमने बॉईल वेजिटेबल किए हैं वो सब भी शामिल कर लेंगे। ये देखिए एकदम जो रेस्टोरेंट में आपको मिलता है सेम वैसा ही इसमें लुक आया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। इतनी क्वांटिटी में आप बनाते हैं तो इससे 4 से 5 पीपल इसमें खा सकते हैं, और इसको पूरी के साथ खाइए। हम तो पूरी बनाने वाले हैं इसके साथ में, आप डोसे के साथ भी या रोटी के साथ भी खा सकते हैं, एज यू विश। और बॉइल वेजिटेबल इसमें इस्तेमाल होते हैं तो काफी हेल्दी रेसिपी है ये। अब जो है हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 5 मिनट तक, फिर मिलते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए बॉइल होना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसमें जो है नमक शामिल कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालिए, मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब जो है इसका ग्रेवी थोड़ा हल्का हमको ड्राई करना है, अगर आपको पतला चाहिए तो पतला भी रख सकते हैं, हल्का ड्राई रहेगा तो मीडियम सेमी ग्रेवी रहेगा तो अच्छा लगेगा खाने में। थोड़ी देर इसको ढक के ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा होने देते हैं। चलिए देखते हैं, माशाल्लाह ये देखिए हमारा जो सागू है ये बन के एकदम तैयार हो चुका है। ये देखिए इतना थिक आपको ग्रेवी इसमें चाहिए। चलिए अब आपको जो है हम पूरी के साथ में प्लेटिंग करके बताएंगे। ये देखिए अब जो है हम तेल गरम करके इसमें पूरियां तल ले रहे हैं। पूरी का जो आटा है हमेशा रोटी से थोड़ा सख्त मलना चाहिए, जैसे रोटी का नरम हम लोग मलते हैं तो पूरी का थोड़ा सख्त रहना चाहिए, और उसमें नमक डालना भी बिल्कुल ना भूलिए। ये देखिए ऐसे ऐसे करके तो आपकी पूरियां भी अच्छी तरीके से फूलने लगेंगी। अब इसको पलटा लीजिए। ये देखिए हमारी जो पूरी और सागू है रेडी हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी बनी है सागू और पूरी। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, और हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी दुआओं में हमें याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़।